रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। क्या होता है रेशियो? कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दो बातें लिखी, एक तो कंपैरिजन, दूसरा सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटीज का क्या मतलब हुआ भाई? जैसे एक लड़के का वेट है 60 किलो, ठीक है, और एक लड़के का हाइट है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों का रेशियो ले सकता हूं? तो मेरा जवाब आएगा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहां तो वेट लिखा है और यहां हाइट लिखा है, और ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है, एक तो वजन नाप रहा है, एक आपकी लंबाई नाप रही, तो इसका मतलब इनका रेशियो नहीं पॉसिबल है। तो सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब दे मस्ट हैव द सेम यूनिट्स, तभी तो वो सिमिलर क्वांटिटीज होगी, ठीक है। जैसे एक और चीज लेते हैं, मैंने अगर मान लो यहां बोला भाई कि एक जना है उसका वेट है 6 किलो, ठीक है, एक बच्चा है उसका वेट है 6 किलो, और एक बच्चा है उसका वेट है 1 मेरे पास मान लो एक तोला है, और उस तोले का जो वजन है वो 100 ग्राम है, ठीक है, एक तोले का वजन है 6 किलोग्राम, एक तोले का वजन है 100 ग्राम, मेरे को इन दोनों का रेशियो लेना है, क्या मैं ले सकता हूं? तो मेरा जवाब है नहीं ले सकता हूं, क्योंकि अभी भी यूनिट सेम नहीं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते 6/100, वो रेशियो गलत हो गया, ठीक है। वेट वेट यानी दोनों क्वांटिटी सेम है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम नहीं। तो अगर मेरे को इसका रेशियो लेना था तो मेरे सामने क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था कि भाई वेट होना चाहिए था 6000 ग्राम, और इधर भी वेट कितना होना चाहिए था मेरे पास 100 ग्राम। अब मैं रेशियो ले सकता हूं? तो मेरा जवाब है हाँ रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि आप दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं और दोनों की यूनिट भी सेम है। समझ आई? तो कब ले सकते हैं रेशियो? जब दो सिमिलर क्वांटिटीज हो जिनकी यूनिट्स भी सेम हो, तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं रेशियो लेके। तो अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करूं, कंपेयर करना मतलब रेशियो लेना, और रेशियो लेने का मतलब दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड कर दो, यहां पे कितना है भाई 6000, वहां पे कितना है 100। अच्छा एक बात और क्या लिखी है, सेकंड बात क्या लिखी है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? क्या 6/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, क्योंकि इसमें दो फैक्टर कट रहा है, दो फैक्टर काटने पर कितना आता है 3/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं कटता है, ठीक है। तो जब तक कट रहा होगा कॉमन फैक्टर काटेंगे, उसके बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि इसमें 100 कट रहा है, 100 काटने के बाद कितना बचा भाई 60:1, तो क्या रेशियो आया मेरा 60:1, सिंपल, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या थी, दो सिमिलर क्वांटिटी सेम यूनिट्स सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे रेशियो, ठीक है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा रेशियो को, a:b के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसका मतलब a/b होता है। इस पहले वाले नंबर को क्या नाम दिया जाता है, एंटीसीडेंट, क्या नाम देंगे एंटीसीडेंट। दूसरे नंबर को क्या नाम देंगे कॉन्सिक्वेंट, क्या नाम देंगे कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, ठीक राइट ओके। इसका मतलब ऐसे कुछ भी नंबर लिखे हुए 3:4, 5:9, 101:79, ये सब क्या है भाई रेशियोज, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर्स का डिवीजन है, ठीक है। अब दो तरीके के रेशियोज होते हैं, एक होते हैं कोमेंसुरेबल, दूसरे होते हैं इनकोमेंसुरेबल, कोमेंसुरेबल इनकोमेंसुरेबल। क्या नाम, क्या मतलब है इन नामों का? कोमेंसुरेबल मतलब जिसको नापा जा सके, जो मेजर करने लायक हो, जैसे कि ये सारे रेशियोस, ये सारे रेशियोस कोमेंसुरेबल है। मतलब इंटीजर्स का अगर रेशियो लेंगे तो क्या कहलाएगा कोमेंसुरेबल, इंटीजर्स का रेशियो क्या कहलाएगा कोमेंसुरेबल। और अगर इरेशनल नंबर ले लिए, ये इरेशनल है कि नहीं भाई, √3 √5, √3 की वैल्यू आप एग्जैक्ट निकालोगे तो एग्जैक्ट थोड़ी निकलती है, 1.732 चलता रहता है कैलकुलेटर में, इसका मतलब ये नॉन एंडिंग डेसिमल, और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, तो इसलिए इनको नापा नहीं जा सकता, ठीक है, इनकी एग्जैक्ट आप गणना नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है इनकोमेंसुरेबल रेशियोस, जो इरेशनल नंबर के रेशियो है उनको इनकोमेंसुरेबल, और जो इंटीजर के रेशियो है उनको कोमेंसुरेबल, ठीक है। ये दो तरीके के हमारे पास रेशियोज होते हैं, क्लियर। अगली बात पे आते हैं, अगली बात क्या है भाई कि अगर कभी कोई लिख के दे रहा है कि a:b = 2:3 है,
ए इज टू बी बराबर टू इज टू थ्री है, मतलब ए और बी का रेशियो कितना है, टू इज टू थ्री. डज नॉट मीन दैट ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू थ्री ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं. जैसे आपको कोई बोल दे भाई कि दो लोगों की सैलरीज का रेशियो टू इज टू थ्री है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि पहले वाले की सैलरी दो रुपए और दूसरे वाले की सैलरी तीन रुपए, ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं. ठीक है, हो भी सकता है लेकिन होने को तो बहुत कुछ हो सकता है. अगर मैं बोलूं भाई कि दो लोगों की सैलरी का रेशियो टू इज टू थ्री है, तो पहले की सैलरी दो रुपए, दूसरे की सैलरी तीन रुपए पॉसिबल है. पहले की सैलरी बीस रुपए, दूसरे की सैलरी तीस रुपए, वो भी पॉसिबल है. पहले की सैलरी दो हजार रुपए, दूसरे की सैलरी तीन हजार रुपए, ये भी पॉसिबल है. तो पॉसिबिलिटी तो सारी है. तो इस बात को बोलने का जनरल तरीका क्या हुआ कि अगर मेरे को कभी भी दो लोगों का रेशियो दे रखा है तो मैं उनको क्या मानूंगा, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को. तो ये a कितना बन जाएगा 2x, b कितना बन जाएगा 3x. तो ये बोलना सही है कि भाई अगर a और b का रेशियो 2 is to 3 है तो a बराबर 2x होगा, b बराबर 3x होगा. ठीक है, कहां पे यूज करेंगे, दो बातें, दो अलग अलग बातें अभी मैंने की. पहली बात तो क्या की कि भाई रेशियो कैसे बनाया जाता, तो यहां पे तो हमने क्या किया था, नंबर्स को किसमें बदला था, रेशियो में. अब मेरे को क्या दे रखा है, रेशियो, उसको किसमें बदल रहा हूं मैं, नंबर्स में. रेशियो दे रखा है, नंबर्स में बदल दिया मैंने. ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन ध्यान से समझने. अगर नंबर्स दे रखे हैं तो रेशियो ले लेंगे आराम से, डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे. और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है तो नंबर्स कैसे लाओगे भाई, एक्स से मल्टीप्लाई कर देगा. ठीक है, एक्स वाई कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं एक्स लेके चल रहा हूं, बाकी सब जने सेम याद रखें हमेशा, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ओके. फिर एक और चीज समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे मैं ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं रेशियो के. वो कॉन्सेप्ट क्या है, पार्ट्स कॉन्सेप्ट. क्या होता है पार्ट्स कॉन्सेप्ट, अगर आपको मैं सेम एग्जांपल दूं कि भाई a is to b, 2 is to 3 है, तो इसको समझने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि इट मींस दैट आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5 पार्ट्स a गेट्स 2 पार्ट्स, b गेट्स 3 पार्ट्स. ध्यान से समझो, आपको बोला a is to b कितना है, 2 is to 3. 2 is to 3 दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 5. यानी कुल मिला के मान लो कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी, तो मैंने a को कितनी दी, 2, और b को कितनी दी, 3. तभी तो रेशियो 2 is to 3 आएगा. ठीक है, कब, जब मेरे पास टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, 5. मान लो मेरे पास टोटल चॉकलेट्स 10 होती तो इसको कितनी मिलती, 4 मिलती, दुगनी मिलती. इसको कितनी मिलती, 6 मिलती. रेशियो तो 2 is to 3 रहता. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ अ टोटल 5 पार्ट्स, टोटल मतलब इन दोनों को जोड़ लो, ए विल गेट हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, बी विल गेट हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स. ठीक है, तो ये चीज बड़ी यूजफुल आती है इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन रेशियोस. कोई वेरिएबल लेना ही नहीं, इक्वेशन बनानी ही नहीं, खाली पार्ट्स कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. तो अब इसमें और आगे देखते हैं. बेटा वीडियो को पॉज करके सही टाइम पे और नोट्स जरूर बना लेना. ठीक है, ये सब बातें आपको आनी चाहिए और बाद में रिवीजन करोगे तब आपके सामने भी होनी चाहिए, ना कहां से रिवीजन करोगे. ठीक है, ओके. अब अपन ये देखते हैं कि भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछेगा रेशियो में. कॉन्सेप्ट जो है रेशियो का, वो मेन कॉन्सेप्ट ये है, रेशियो क्या होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है. अगर नंबर्स दिए हैं तो रेशियो कैसे बनाना है, रेशियो दिया है तो नंबर्स कैसे बनाना है, इतना ही समझने की चीज है. ठीक है, अब क्वेश्चन किस किस तरीके के हो सकते हैं अगर हम उस पे आए. तो जैसे अगर मेरे से कोई ये बोले कि भाई एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, सपोज आपको दे रखा है मैंने 4:7:9. ठीक है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:7:9. और क्वेश्चन क्या बोला मैंने, फाइंड द एंगल्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:7:9, फाइंड द एंगल्स. एक बात लोअर क्लासेस में सबने पढ़ रखी है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, 180 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो पार्ट्स कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा था, पार्ट्स अप्रोच तो मैंने लास्ट में समझे, मैं उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. लेकिन पहले मैं आपके कन्वेंशनल तरीके से कर रहा हूं,
क्या है कन्वेंशनल तरीका कि भाई हमें एंगल्स का क्या दे रखा है, रेशियो, लेकिन हमें तो एक्चुअल में क्या निकालना है, एंगल्स, एंगल्स मतलब नंबर्स, दे क्या रखा है, रेशियो, यानी रेशियो को किसमें बदलना है, नंबर्स में। तो क्या टेक्निक बताई थी, सबको किससे गुणा कर दोगे, एक्स से। तो क्या एंगल्स हो गए मेरे पास, 4x, 7x, 9x, ये मेरे एंगल्स हो गए, आया ना, ठीक है, सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे एंगल्स हो गए। अब जब ये मेरे एंगल्स हो गए तो इन तीनों को जोड़ने पे ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसका मतलब 4x प्लस 7x प्लस 9x बराबर कितना भाई, 180। देखो कितना हुआ, ये 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20x बराबर 180, तो x बराबर 9, 9 आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू 9 को यहां रख देते हैं तो तीनों एंगल आ जाएंगे हमारे पास, तो इस x की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो व्हाट आर दी एंगल्स, दी एंगल्स आर 9 × 4 36 डिग्री, 7 × 9 63 डिग्री, 9 × 9 81 डिग्री। क्या आंसर है आपका, 36, 63, 81, क्लियर, ठीक है। अब देखो मैं जो अप्रोच बोल रहा था उससे कैसे, मैं ओरली कैसे कर लूंगा इसको, मेरे को खाली ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 180 होता है। अब मेरे को पता है कि इनको किन किन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 4, 7, 9, इतने पार्ट्स में बांट दिया, तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल पार्ट्स आ जाएंगे, जोड़ लो तीनों को, 9 और 7 16, 16 और 4 20, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि अगर मेरे पास 20 पार्ट होते तो फिर भाई मैं ए को कितना देता, बी को कितना देता और सी को कितना देता, ये भी मैं लिख रहा हूं, वैसे दिमाग में ही कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 20 पार्ट होते तो मैंने ए को कितना दिया है, 4, बी को कितना दिया है, 7, सी को कितना दिया है, 9, कब, जब मेरे पास कितने पार्ट होते, 20, क्या 20 क्या है, टोटल एंगल्स का सम हुआ कि नहीं हुआ 20, क्योंकि ये तीनों एंगल्स हैं, तो जब तीनों को जोड़ोगे तो टोटल एंगल्स का सम आ गया, यानी अगर आपके पास टोटल 20 डिग्री होता तो ये 4, 7 और 9 होता, लेकिन आपके पास टोटल कितना है भाई, 180 है, तो ये 20 पार्ट्स होता तो 4, 7, 9 आता, मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 180, 20 से 180 आने पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर ये सारे भी किससे गुणा हो जाएंगे, 9 से गुणा होंगे भाई, उसको 9 से गुणा कर रहे हैं तो इन सब का जो हिस्सा है वो भी 9 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 9 × 4 36, 9 × 7 63, 9 × 9 81, देखो सेम आंसर आ गया आपके पास जस्ट बाय यूजिंग द पार्ट्स अप्रोच, ठीक है। ये चीज ऐसी है जो दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे, 20 में इतना आ रहा है तो 180 में कितना आएगा, ठीक है, 20 किलो शक्कर इतने की, 180 किलो शक्कर कितने की होगी, 9 गुना करना पड़ेगा, ठीक, ओके ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो जैसे ऐसे दिया किसी ने, क्वेश्चन मेरा ये है, टू नंबर्स या टू पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो, टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो, मैंने आपको दिया 8:5, ठीक है, फिर आगे बोल रहा हूं, इफ डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, इफ डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 156, 156, फाइंड द लार्जर नंबर। इस बार मैं ऑप्शंस भी देता हूं, ऑप्शंस तो हालांकि हर बार मिलेंगे तुम्हें, लेकिन शुरू से ऐसा गेम नहीं खेलना कि भाई शुरू से ऑप्शन से काम करना चालू कर दिया, नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखना है और ऑप्शन से कैसे लाना है वो भी सीखना है, कहीं पे वो काम आएगा कहीं पे ये काम आएगा, इसलिए टेक्निक सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार मैंने ऑप्शंस भी दे दिए, सपोज द ऑप्शंस गिवन टू यू आर 10, 24, 10, 24, 16 और none of these, सपोज ये ऑप्शंस आपको दे रखे, ठीक है। अब देखो कैसे प्रोसीड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहली बात क्या लिखना है, टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 8:5, बहुत बढ़िया बात है, इफ डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 156। अब देखो एक चीज आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो प्लस आपको एक नंबर भी दे रखा है, रेशियो तो दे ही रखा है साथ में एक नंबर भी क्वेश्चन में दे रखा है,
तो जब रेशियो के साथ किसी नंबर की भी बात होगी, यानी हमें उस रेशियो को किसमें बदलना पड़ेगा, नंबर्स में, वरना हम इस नंबर को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें पहला काम उस रेशियो को किसमें बदलना है, नंबर्स में। तो वो तो अभी सीख ही लिया, अभी दोनों को एक से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मान लिया कि हमारे जो दो नंबर्स हैं वो मान लो ए और बी, ठीक है। तो ए तो हमारा कितना नंबर हो गया, 8x, बी कितना हो गया, 5x। ये हमारे नंबर्स हो गए, ये हमारे नंबर्स हो गए, 8x, 5x। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 156। अब जरा बात करो डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स का क्या मतलब होता है भाई, कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना दे रखा है, 156। यही बात हुई कि डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स का डिफरेंस, ठीक है ये बात, राइट। अच्छा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर याद हो आइडेंटिटी, तो क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी होती है कि नहीं होती, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। हालांकि इसको यूज नहीं भी करूं तो ए और बी की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन इससे और आसान हो जाएगा। अब मेरे को ए की वैल्यू पता है ना भाई, 8x, बी की भी वैल्यू पता है 5x, 8 माइनस 5 कितना हो गया ये, 3x, 8 प्लस 5 कितना हो गया ये, 13x, तो इज इक्वल टू कितना, 156, इतना आ गया, ठीक। अब देखो जरा कितना आया भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 156 अपॉन 3 × 13, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब 3 से ये कट रहा है क्या, देखो 3 से ये कटा 52 और 13 से ये कटा 4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आई भाई, 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो एक्स की क्या वैल्यू होती है, 2 और -2, खाली 2 नहीं होती है, क्या होती है, 2 और -2। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों आते हैं, ठीक है, आते कि नहीं आते, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है। लेकिन हमें कैसे नंबर बोले थे, पॉजिटिव, इसलिए हम माइनस नहीं लेंगे, खाली 2 लेंगे, अगर ये बात नहीं बोलता तो माइनस भी हो सकता था, ठीक है। चलो x की वैल्यू 2 आ गई, अब इस 2 को उठा के कहां डालना है, यहां डालना है, तो हमारे पास दोनों हमारे नंबर आ जाएंगे। सो व्हाट आर आवर नंबर्स, 8 × 2 = 16, 5 × 2 = 10, ये 2 आंसर आए मेरे। उसने मेरे से क्या पूछा है, फाइंड द लार्जर नंबर, कौन है भाई इनमें लार्जर, 16। तो आंसर क्या निकल के आया आपका, सी ऑप्शन विच इज 16, ये ठीक है, राइट। तो ये तो हुआ मेरा तरीका बाय सॉल्विंग इन द नॉर्मल वे, मतलब ऑप्शंस को नहीं देख के मैंने सीधा सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके मैंने आंसर लगा दिया। अब सपोज करो कि किसी को ऑप्शन से हिट एंड ट्राई करना है भाई, कि इसको मैं फटाफट ऑप्शन से कैसे सॉल्व करूं, तो एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे। अब देखो आपसे कौन सा नंबर पूछा है, लार्जर नंबर, पहले ये समझ लेना है, ठीक है। लार्जर नंबर, लार्जर नंबर मतलब इन दोनों में, अब देखो जरा किसके पार्ट ज्यादा है, इसके पार्ट ज्यादा है तो हमेशा यही लार्जर होगा ना, भले x की कोई भी वैल्यू रखू लार्जर तो यही होगा, यानी मेरे को ये वाला नंबर निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं पहला ऑप्शन लू 10, ठीक है, अगर मैं इस 8 की जगह 10 रख रहा हूं, तो पहली बात तो 8 भाई, एक नॉर्मल अगर कोई गैसिंग कर रहा है, अगर सिर्फ मेरे को खाली ऑप्शन को ट्राई करना है, तो मैं हमेशा कौन सा ऑप्शन पहले ट्राई करूंगा भाई, जो 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम 8x लिख रहे हैं ना, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं मेरा आंसर, तो मैं 8 के लिए 10 तो ट्राई करूंगा ही नहीं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 10 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, वो आंसर को जरूरी नहीं, आंसर हमेशा इंटू 2 ही हो, इंटू 1.5 भी हो सकता है, इंटू 1.25 भी हो सकता है, लेकिन पहले ट्राई करना है तो मैं कौन सा ट्राई करूंगा, ऐसे थोड़ी ए ऑप्शन पहले ही करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं, पहले हमेशा वो ट्राई करो जो तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है। तो 8 का मल्टीपल कौन है, 24 है, हाँ है, 16 है, हाँ है, तो पहले हम ये दोनों ट्राई करेंगे, 24 ट्राई करते हैं। 24 का मतलब 8 में कितना गुणा किया है यहाँ पे, 3, इसका मतलब इसमें 3 का गुणा किया, तो फिर इधर भी 3 का गुणा होगा कि नहीं होगा, अभी हमने देखा था पीछे क्वेश्चन में, पार्ट्स अगर इसको ट्रिपल कर दिया तो उसको भी ट्रिपल करना पड़ेगा, इसका मतलब अगर ये 8 × 3 = 24 है, तो ये 5 × 3 कितना होगा भाई, 15 होगा, यानी मेरे दो दो जो दो नंबर्स आए वो 24 और 15 है कि नहीं है, 24 और 15 है, ठीक है, कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड है, राइट। तो 24 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर फटाफट कैलकुलेटर पे करके देख लो, क्या वो 156 आता है, तो तुम्हारा जवाब आएगा नहीं आता सर, नहीं आता, मतलब ये ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो गया, रिजेक्ट, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, 16, 16 लाने के लिए यहां पे क्या गुणा करना पड़ेगा, 2, तो फिर यहां भी क्या गुणा करना पड़ेगा, 2, तो इसका मतलब दो नंबर क्या हुए, 16 और 10, ये हो गए दो नंबर 16 और 10। अब वापस से वही फटाफट कैलकुलेटर पे 16² - 10² करके देखो भाई जरा, क्या 156 आ जाता है, तो हाँ सर आ जाता है, आ जाता है, तो आंसर हो गया खत्म, बस अब कुछ और ट्राई करने की जरूरत ही नहीं।
समझ आई मेरी बात की नहीं? ठीक है, सो दैट इज हाउ वी अप्रोच यूजिंग ऑप्शंस, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा अगर तो फिर सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, इसको हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में और इजी अगर बनाना चाहते हैं, नॉर्मली कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर्स, दोनों ही नंबर्स पूछ लिए, मैंने तो लार्जर नंबर पूछा। अगर मान लो बोलता फाइंड द नंबर्स, तब तो यहाँ पे दो दो नंबर लिखे होते ना, तब तो बहुत आसान हो जाता, क्योंकि जो दो नंबर लिखे हैं उनका रेशियो कितना होना चाहिए, 8:5। तो पहले तो आप हर ऑप्शन में चेक कर लो भाई कि दोनों को डिवाइड करने पे 8:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन ऑप्शन में आ ही नहीं रहा उनको तो वैसे ही हटा दो, फिर जिन में आ रहा है उनके लिए ये कंडीशन चेक कर लो कि स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन 156 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब दोनों नंबर पूछे ना, तब तो और आसान होता है ऑप्शन से करना, फिर तो ऑप्शन से ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पार्शियल आंसर पूछा है तो ऑप्शन से करने में कई बार टाइम लग जाता है, राइट। जैसे ये तो आसान क्वेश्चन है, आप आराम से ऑप्शन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।